हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे जो हमारी क्लासेस चल रही है, संविधान, जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से या फिर पॉलिटी या फिर इसको हिंदी में राज्य व्यवस्था के नाम से भी जानते होंगे। एक क्लास नंबर आज हमारी 23 है। इससे पहले हम लोग 22 क्लासेस हैं वो कवर कर चुके हैं। एक क्लासेस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यानी कि आप लोग आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। तो पीटी का पेपर हो या फिर मेंस का पेपर हो, किसी में आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको सब कुछ ए टू जेड प्रिपेयर कराया जाएगा। मेंस की आंसर राइटिंग है वो भी कराई जाएगी, एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा इसके बारे में फुल डिटेल दी जाएगी, कंप्लीट 100%। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको करेंट से इसको लिंक कर लेना है। और अगर आप लोग करेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम आपको 5 बजे पढ़ाते हैं। आप लोग आकर के आईएएस बाबा मैगजीन ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पर करेंट वाला सेक्शन भी आप हम लोगों के साथ में कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो आज हम लोग देखेंगे कैग के बारे में, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। फिर पहले इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, फिर एमसीक्यूज भी लगाएंगे और मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लिखने के लिए देंगे। और वो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि वहां पर हम सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस दिया जाता है। और आपको विजन आईएएस टेस्ट सीरीज है वो भी हिंदी में हम यहाँ पर आपके सॉल्व कराने वाले हैं जल्दी। आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैग के बारे में। देखिए कैग है, इसे लोक वित्त का संरक्षक भी माना जाता है। ओके, तो देखते हैं कैग के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कैग के बारे में, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। वैसे लास्ट में इसमें बता देंगे कि जो पहला भारत जब हमारा आजाद हुआ था, उसके बाद जो पहला कैग है वो कौन था। ओके, उनके बारे में आपको बताना है। वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। और जो लोग जानते हैं वो अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आपको हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग सब विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसे लोक वित्त का संरक्षक भी बोला जाता है। लोक वित्त का संरक्षक भी बोला जाता है। अब ये संरक्षक क्यों बोला जाता है, आप लोग समझ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर, भ्रष्टाचार और जो आपको देखने को मिलेगा धन की जो बर्बादी होती है उसको रोकने में एक इंपॉर्टेंट टूल देखने को मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं रोकता है। क्यों नहीं रोकता है, इसी आधार पर इसकी जो आलोचक है वो काफी आलोचना भी करते हैं। जैसे एप्पल भाई आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े आलोचक है, उनका ये तक मानना है कि कैग को समाप्त कर देना चाहिए। और यहाँ से ही मेंस का क्वेश्चन भी उठा करके पूछ लिया जाता है कि आलोचकों के मत के अनुसार इस पद को, इस चीज को समाप्त कर देना चाहिए। ओके, तो आपका मत क्या होगा, आलोचनात्मक परीक्षण करें, इस तरह से क्वेश्चन दिया रखा होगा। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में वर्णन करें। तो कुछ भी पूछा जाएगा आप लोग आराम से बता देंगे, 150 शब्दों में पूछा जाएगा फिर भी आप लोग आराम से लिख देंगे, 250 शब्दों में पूछा जाएगा तो भी आप लोग आराम से लिख देंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की योग्यताओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर कौन बन सकता है, आप लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, सबसे पहले ये भी तो जान लें कि आखिर कौन बन सकता है। चलिए हम लोग योग्यताओं की बात करेंगे, योग्यताओं की बात करेंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनके कार्यों के बारे में। ओके, साथ में हम इनकी शक्तियों के बारे में, या फिर यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए शक्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। ओके, नियुक्ति के बारे में देखेंगे, इसके अलावा कार्यकाल के बारे में देखेंगे। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनका कार्यकाल कितना होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इनके वेतन, पद मुक्ति। ओके, और इनके स्वतंत्रताओं के बारे में, फिर आलोचनाओं के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे जगह नहीं बची है इसीलिए आप लोग लिख लीजिए। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे कि आलोचना की जाती है, कि आलोचकों का क्या कहना है, उनका भी हम लोग थोड़ा सा तर्क देख लेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष के ऊपर भी आएंगे। ओके, निष्कर्ष के ऊपर भी आएंगे। और साथ में देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर हम बोले थे लेकिन लिखाए नहीं थे,
कि जो ये जो पद आपको देखने को मिलेगा ये कैसे स्वतंत्र है, मतलब इसको कैसे सुरक्षा दी गई है, तो हम स्वतंत्रता के बारे में भी बात करेंगे। ओके, स्वतंत्रता के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार में बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो देखिए, जो कैग है, इस पद का जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 100, आर्टिकल 148 में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके, आर्टिकल 148 में कैग के पद का उल्लेख किया गया है। कैग के पद का उल्लेख उल्लेख किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप लोग एकदम आंखें बंद करके लगा दीजिए, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 148 में कैग के पद का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं योग्यताओं के बारे में कि आखिर कैग कौन बन सकता है। देखिए आप लोग एक इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा करिए, बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही हैं, कोई याद कर रहा है लगता है हमें भी। ओके, तो कहीं कैग बनाने के तो कोई नहीं सोच रहे हैं, बोल के आरजी सर पे चलो कैग बना दिए दे। चलो देखते हैं आरजी सर कैग बनने के काबिल हैं या फिर नहीं है, और अगर आप लोग भी कैग बनना चाहते हैं तो आप लोग बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग्यताओं के बारे में। योग्यताओं के बारे में, ओके, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक कैग बनने के लिए। तो देखिए इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके योग्यताओं के बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया, हमारे संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया कि कैग बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर आखिर कहाँ से पता चलेगा कि कैग बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, ऐसा तो नहीं है किसी पप्पू को उठा करके कैग बना दिया जाएगा, तो नहीं। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, ये पावर है, ये संसद को दी है हमारे संविधान ने, तो ये पावर है हमारे संविधान ने हमारी संसद को दी है। ओके, तो संसद ने एक आपको देखने को मिलेगा अधिनियम पारित किया जिसे बोलते हैं कैग अधिनियम, कैग अधिनियम। अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट बोलते हैं। ओके, 1971 पारित किया। इसी में बताया गया है इनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया, इसके अलावा इनके कर्तव्यों शक्तियों के बारे में बताया गया है और कुछ सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। तो ये अधिनियम है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस अधिनियम के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस इस अधिनियम का नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर ही बता दी जाएंगी आपको, धाराएं नहीं पढ़नी है। ओके, आप कोई लॉयर या फिर जज का आप लोग पेपर नहीं देने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए इसके अनुसार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ही योग्यताओं का वर्णन किया गया है कि नंबर एक, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, नागरिक होना चाहिए। आप लोग तो खुश हो गए, अरे मैं भी क्या हूँ, एक भारत का नागरिक हूँ तो मैं भी क्या बन सकता हूँ, कैग बन सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर भी आप कैग बन सकते हैं, लेकिन दूसरी शर्त भी है, चलिए सुन लीजिए, अगर आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप लोग खुश हो जाइएगा। तो भारत के अगर आप नागरिक हैं तो ठीक है, और जितने पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने ख्वाब क्या कर लें, अपने पानी फेर लें उसके ऊपर। तो ये आपको देखने को मिलेगा भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा जो लोक वित्त का विशेषज्ञ हो, लोक वित्त का विशेषज्ञ हो, क्या हो, विशेषज्ञ हो, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो लोक लेखा विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ हो। ओके, तो अगर इनमें से कोई व्यक्ति है तो उससे क्या बनाया जा सकता है, कैग बनाया जा सकता है। अब देखिए लोक वित्त का विशेषज्ञ आप नहीं है, लोक लेखा के भी विशेषज्ञ नहीं है, तो एक और चीज होती है, अगर आप इनमें से नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप 10 वर्षों तक एक लोक सेवक रहे हैं, क्या रहे हैं, लोक सेवक रहे हैं, तो आप क्या बन सकते हैं, आप बन सकते हैं कैग बन सकते हैं। तो देखिए लोक सेवक तो आप बन सकते हैं आराम से, अगर आप लोक सेवक हैं तो आपको कैग नियुक्त किया जा सकता है। तो चौथा पॉइंट आपके काम का हो गया ना, भारत के नागरिक तो हैं आप लोग, लेकिन लोक वित्त के विशेषज्ञ नहीं है, लोक लेखा के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन 10 सालों तक लोक सेवक तो आप रहेंगे जब आप लोग जॉब करेंगे तो। ओके, तो आप लोग भी कैग बन सकते हैं, थोड़ा सा खुशी हो आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर कैग की नियुक्ति कौन करेगा। चलो योग्यता तो पता चल गई, अब नियुक्त कैसे किया जाएगा।
चलिए हम लोग थोड़ा नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। एकदम हलवा की तरह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एकदम परेशान नहीं होना है। कल वाला जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, जिसमें महान्यायवादी के बारे में पढ़ाई थी बहुत अच्छे से आपको। तो महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति नियुक्त करता था। तो भाई यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, कैग को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर शपथ पत्र कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, या फिर राष्ट्रपति जिसके लिए इस कार्य के लिए सौंपेगा तो वो भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम लोग बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्य काल के बारे में मतलब, चलो नियुक्त हो गए, अब कितने साल तक आप लोग कैग बन के रह सकते हैं? कितने सालों तक कैग बन के आप लोग रह सकते हैं? रिटायरमेंट भी होगा कि नहीं होगा? तो ये कितने सालों तक होता है? तो भाई आपको देखने को मिलेगा इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष तक। ओके, 6 वर्ष तक आप क्या रह सकते हैं? एक कैग रह सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त आपको देखने को मिलेगी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। क्या हो जाए? जो पहले हो जाए, या फिर आपको देखने को मिलेगा 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, आयु तक। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो 64 साल का है और फिर वो क्या नियुक्त किया, तो 1 साल बाद वो क्या हो जाएगा? 65 साल का हो जाएगा। मतलब 1 साल के बाद ही वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति वो 55 साल का है, 55 साल का है और फिर वो कैग बना, तो आपको देखने को मिलेगा वो 6 साल तक कैग बना रह सकता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पद मुक्ति के बारे में, पद मुक्ति के बारे में। अब देखिए कैग का काम क्या है? कैग का काम है जो सरकार है उसके लेखा जोखा को लिखना है, मतलब वो कितना व्यय कर रही है, ओके, कितना खर्च कर रही है, कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब पर निगरानी रखना। एक तरह से वो क्या करता है? सबका लेखा जोखा रखता है भाई, एकदम ऐसे पोटरी दबा करके वो उसमें पूरी डायरी होगी और उस डायरी में लिखा हुआ होता है। मजाक कर रहे हैं, डायरी नहीं होता है, सब कुछ अब कंप्यूटराइज होता है। लेकिन आय और व्यय का जो पूरा लेखा जोखा होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट के अंदर ही इसको दे दिया जाए, पूरी पद जो पद है वो गवर्नमेंट के अंदर ही दे दिया जाए, तो वो क्या होगा? डर डर के काम करेगा बेचारा। तो इसीलिए इसको पद से स्वतंत्रता दी गई है कि भाई ये स्वतंत्र होकर के कार्य कर सके, किसी के दबाव में आकर के कार्य ना करे। इसीलिए इसको जो पद है उसकी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब पद की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था की गई है कि अगर पद मुक्ति करनी है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिए हाई कोर्ट नहीं, कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाएगा उसी प्रक्रिया से ही इसको हटाया जाएगा। यानी कि वो एक जटिल प्रक्रिया देखने को मिलेगी। कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? आपको पता है संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होता है, फिर दोनों सदनों में जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर उसके बाद उसको हटाया जाता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो पद की सुरक्षा प्रदान की गई है, इसीलिए पद मुक्ति है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं। जैसे हम आपको महान्यायवादी के बारे में पढ़ाए थे, वहां पर पद किसके द्वारा धारण करता था? आपको वहां पर आपने देखा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो महान्यायवादी था वो पद धारण कर सकता था, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहता था तो उसको उठा करके बुला सकता था, लेकिन कैग को जब चाहेगा राष्ट्रपति अपने मन से उठा करके नहीं बिठा सकता। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पद मुक्ति है वो आपको देखने को मिलेगा, सेम एस वही प्रोसेस है, सेम एस सुप्रीम कोर्ट का जज, भाई हाई कोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उसके जज के समान, ओके, जज के समान आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको अंडरलाइन कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग देखते हैं वेतन के बारे में, भाई वेतन कितना मिलेगा? तो देखिए, अगर हम वेतन की बात करें
तो वेतन की भी सुरक्षा दी गई है। वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो संचित निधि से वेतन भत्ता जो भी चीजें हैं वो दी जाएंगी। अगर सोचो सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में दे दी जाती, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक पद पद की स्वतंत्रता इसको रहती दबाव में, और भाई कहीं ऐसा ना हो हमारी सैलरी काट ली जाए। तो इसीलिए भारत की संचित निधि से इसको वेतन भत्ते और जो भी सुरक्षाएं हैं वो सारी चीजें दी जाती हैं। तो वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन कितना मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना मिलता है। कल हम आप लोगों को बताए थे, कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना वेतन मिलता है। ओके, और जो आवास उवास की सुविधाएं, जो अदर फैसिलिटी है उनका नहीं, सिर्फ सैलरी सैलरी पूछने की कैश कितना मिलता है, एक बार कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग प्रीवियस वीडियो जा करके देख लें, अचीवर बेस्ट वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें सभी आपको क्वालिटी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और इनके जो कार्यालय का व्यय भी होता है वो भारत की संचित निधि पर ही निर्भर करता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इनके कार्यों और शक्तियों के बारे में। जो कैग है इसके कार्यों या फिर शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखिए अगर हम कार्य और शक्तियों की बात करें, जो कि काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी, इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। तो देखिए कार्यों को अच्छे से सुनेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए इनका जो कार्य है वो भारत सरकार के जो भी खर्च हैं, भारत सरकार के आपको जो भी खर्च देखने को मिलेंगे, भारत सरकार के जो भी व्यय हैं या फिर खर्च हैं, उनका खर्च का लेखा परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, मतलब लेखा जोखा करता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो राज्य सरकारें हैं तो राज्य सरकारों का भी वो क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं उनका भी लेखा जोखा ये करता है। ओके, जो आपको देखने को मिलेंगी सरकारी सरकारी जो कंपनियां हैं, ओके, कंपनियां हैं इनका भी लेखा परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर नोट करके आपको लिखा देते हैं, वैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये सभी कंपनियां होती हैं, जरूरी नहीं कि उनका लेखा परीक्षण करे ही करे। अगर संसद का कोई विशेष कानून बना करके किसी निगम को कैग के लेखा परीक्षण की शक्ति से या फिर इसके अधिकार से बाहर रखा गया है तो उसका ये लेखा परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन समानता सभी का करेगा। लेकिन स्पेशली किसी के लिए प्रोविजन किया जाता है तो उसका लेखा परीक्षण नहीं करेगा। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो खुफिया एजेंसी होती है, जैसे रॉ हो गई, आईबी हो गई, ओके, ये खुफिया एजेंसी होती है, इनमें कितना व्यय किया जा रहा है, किसको कितना पैसा भेजा जा रहा है, उसकी जानकारी इसको नहीं दी जाएगी। बस इतना बताया जाएगा कैग को, इतना बताया जाएगा कि इतना पैसा है ये रॉ को गया है, जैसे कि मानते हैं 1 करोड़ रुपए है वो रॉ को गया, अब रॉ ने कैसे उसको खर्च किया है, कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति को कितना दिया है वो नहीं बताया जाएगा भाई। ओके, हर चीज नहीं पब्लिक के सामने शेयर की जाती है, क्योंकि व्यावहारिक चीजें होती है वो काफी अलग आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, दूसरे कलर से लिखा देते हैं, फिर इसी कलर से लिखा देते हैं, लेकिन लेकिन संसद के विशेष कानून के द्वारा, विशेष कानून के द्वारा द्वारा अगर किसी कंपनी का गठन कर कंपनी का गठन कर गठन कर उसे कैग के नियंत्रण से कैग के नियंत्रण से बाहर रखा जाए, बाहर रखा जाए तो
कैग उसका लेखा परीक्षण नहीं कर सकता। ओके, जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। और हाँ, जिन लोगों के लिए पीडीएफ से ये जो हम लिखते हैं ये आपको चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन हो सकते हैं या फिर हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी जितनी अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। और साथ में एमसीक्यू की भी आपको प्रैक्टिस जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो देखिए कैग उनका लेखा परीक्षण, तो कैग उनका उनका लेखा परीक्षण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे जो निगम होते हैं, मतलब कॉरपोरेशन होते हैं, निगम है जिनको बोलते हैं कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन है, तो इनका बहुत सारे कॉरपोरेशन है जिनका गठन किया गया है, जिनके क्षेत्राधिकार से कैग को बाहर रखा गया है, कि कैग इनका नहीं कर सकता, आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि जो एसबीआई है, ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आरबीआई है, उसका जो कैग है वो लेखा परीक्षण नहीं करता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एलआईसी भी देखने को मिलेगा, एलआईसी भी देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे निगम है जिनका जो कैग है वो लेखा परीक्षण नहीं कर सकता, इनके क्षेत्राधिकार से इनको बाहर रखा गया है, क्योंकि संसद ने विशेष कानून के माध्यम से इनके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये आपको हम आपको लिखा रहे थे जो तीसरा पॉइंट था, अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, यानी कि सरकारी कंपनियों का भी ये लेखा परीक्षण करता है, लेकिन अगर किसी को स्पेशली छूट दी जाती है तो उसका नहीं करता है। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखना। चलिए हम लोग चौथे पॉइंट पर आते हैं। किस पॉइंट पर आते हैं? चौथे पॉइंट पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, एक्चुअली एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, क्योंकि बीच में एक पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, पीडीएफ बनाते हुए यहाँ पर समस्या कर देगा, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सही हो गया। ओके, तो देखिए चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ जो पब्लिक सेक्टर की, जो सॉरी प्राइवेट सेक्टर की भी जो कुछ कंपनियां हैं जिनका प्रभाव भारत पर काफी महत्वपूर्ण होता है, तो उन कंपनियों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है, या फिर ऐसी निजी कंपनियां जो अपने राजस्व का कुछ हिस्सा साझा करती हैं गवर्नमेंट के साथ, उनका भी ये लेखा परीक्षण कर सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसी निजी कंपनियां जो निजी कंपनियां कंपनियां जो अपने राजस्व का गवर्नमेंट के साथ साझा करती हैं, गवर्नमेंट के साथ साझा करती हैं, ओके, तो उनका भी क्या कर सकता है? एक लेखा परीक्षण कर सकता है, लेखा परीक्षण करता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब लेखा जोखा रखता है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए लेखा परीक्षण करता है, लेकिन लेखा परीक्षण आखिर कैसे करता है, इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। पांचवा पॉइंट है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लिखा रहे हैं, लेकिन आपको नीचे ही लिखना है क्योंकि अभी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस वजह से हम पांचवा पॉइंट आगे लिखा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें इसके लेखा परीक्षण की, लेखा अगर हम परीक्षण की बात करें कि भाई ये लेखा परीक्षण कैसे करता है, बार बार सुनने लेखा परीक्षण, तो देखिए ये जो लेखा परीक्षण करता है ये दो रूपों में करता है। ओके, दो रूपों में करता है, एक जो अपना लेखा परीक्षण करता है वो वैधानिक करता है, यानी कि जिसको बोलते हैं वैधानिक लेखा परीक्षण। देखिए हम लेखा परीक्षण नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ओके, तो वैधानिक लेखा परीक्षण एक होता है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा निष्पादन, निष्पादन लेखा परीक्षण, निष्पादन लेखा परीक्षण। ओके, आखिर वैधानिक लेखा परीक्षण किसे कहते हैं, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। एक है वैधानिक लेखा परीक्षण और दूसरा आपको देखने को मिलेगा निष्पादन लेखा परीक्षण। वैधानिक लेखा परीक्षण होता है, इसमें यह देखता है, इसमें यह देखता है कि धन है, धन है वो उसी उद्देश्य से दिया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए वो पारित किया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं,
वैधानिक में वो देखता है जैसे कि शौचालय के लिए, ओके, शौचालय बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं वो आवंटन किया गया है, तो वो सिर्फ इतना ही देखेगा कि हाँ शौचालय बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। तो ऐसा तो नहीं है कोई अपनी कोठी बनाने के लिए भी उसमें से 50-60 हज़ार करोड़ रुपए, सॉरी करोड़ नहीं, 1 ही करोड़ तो था, उसमें से 50-60 लाख रुपए निकाल करके अपनी कोठी बनाने लगे। ऐसा नहीं, सिर्फ वो देखेगा शौचालय बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए जा रहा है, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं भाई। ये देखता है इसमें वैधानिक में देखा देखा जाता है, यह है देखता है कि आपको देखने को मिलेगा कि खर्च उसी उद्देश्य से हो रहा है, धन का खर्च उसी उद्देश्य से हो रहा है, उसी उद्देश्य से हो रहा है या नहीं, ओके, ये चीज इसमें देखता है। लेकिन निष्पादन में क्या देखता है, देखिए निष्पादन में इंपॉर्टेंट है, उसने देखा कि 1 लाख करोड़ रुपए, ओके सॉरी बार बार 1 लाख निकल आ रहा है, मानते हैं 1 करोड़ रुपए है वो शौचालय बनाने के लिए दिए गए। अब वो देखेगा कि 1 लाख रुपए है, सॉरी 1 करोड़ रुपए है वो शौचालय बनाने के लिए दिए गए या नहीं दिए, इतना देखेगा। लेकिन निष्पादन में देखेगा कहीं इसका भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार को देखेगा कि ऐसा तो नहीं है भाई कि आधा रुपया बचा करके रख लिया है और आधा रुपए कहीं सीमेंट है वहां पर पैसा बचा लिया गया, मतलब कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं पर रिश्वतखोरी तो नहीं हो रही है, उस चीज को देखता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकता है, लूप होल को रोकता है, लीकेजेस को रोकने का कार्य करता है निष्पादन में। तो देखिए निष्पादन में क्या देखता है, वो धन के खर्च को देखता है, धन के खर्च को देखता है कि इस धन की कहीं बर्बादी तो नहीं हो रही है, ओके, बर्बादी तो नहीं हो रही है, और साथ में देखता है कि इस धन का कहीं भ्रष्टाचार में तो उपयोग नहीं हो रहा है, कहीं इसका भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, ओके, ये चीज देखता है, ओके। तो निष्पादन के द्वारा और वैधानिक लेखा परीक्षण के द्वारा वो जांच करता है, और जांच करके क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, ओके, क्या करता है, इसके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से क्या करता है, इस तरह से जांच करता है, और जांच करके क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। देखिए यहाँ पर पेज भर गया, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तब आपको समझाते हैं, आप लोग यहाँ से कंटिन्यू रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वो जांच करेगा, ओके, अब जांच करने के बाद क्या है, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, ओके। अब इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपेगा, ओके, इस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, ओके, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ओके। और अगर ये राज्य से संबंधित है तो आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति की जगह वो राज्यपाल को देगा, किसको देगा, राज्यपाल को देगा, ओके। और ये कहां पर बताया गया है, देखिए ये रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट किसको सौंपेगा, किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा आर्टिकल 151 के तहत ये बताया गया है, और आर्टिकल 151 के तहत ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भाई इसकी शक्तियां कर्तव्य हैं, और जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण आप करिए। इसी के लिए उन्होंने 1971 में क्या अधिनियम को पारित किया था, इसी आर्टिकल की शक्ति का उपयोग करते हुए आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए जो कैग है वो जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंप देता है। अगर राज्य से संबंधित होती, किसी स्टेट से संबंधित होती है, तो स्टेट का जो प्रमुख होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल को सौंप देता है, ये चीज आपको देखने को मिली। और राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कुछ नहीं कर सकते बेचारे, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं आपको देखने को मिलेगा, जो सरकार के पास होती है। अब देखिए आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति है वो अपनी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था अपने की, तो ये किसको दे देगा, संसद को दे देगा, क्योंकि संसद क्या है, जनता की प्रतिनिधि है, तो जनता की जो प्रतिनिधि है उसी को तो ये रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि ये पैसा किसका है, जनता का पैसा है, और जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं, तो ये रिपोर्ट कहाँ दी जाएगी, संसद में दी जाएगी। और इसी तरह से अगर राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपी गई तो वो कहाँ देगा,
वो राज्य की जो विधायिका होगी वहां पर सौंपेगा। समझ गया, आ गया, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मानते हैं राष्ट्रपति को ही ले लेते हैं कि ये रिपोर्ट है, मानते हैं राष्ट्रपति को दी। अब राष्ट्रपति इसको किसको दे देगा? राष्ट्रपति है वो संसद को विचार करने के लिए दे देगा, संसद को विचार करने के लिए दे देगा। अब देखिए संसद है वो डायरेक्ट तो इस पर विचार नहीं करेगी, इसके लिए वो एक यहाँ पर समिति का गठन करती है जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे कलर से यहाँ पर हम लिखते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। संसद में विचार करने के लिए रिपोर्ट पहुंच गई राष्ट्रपति के द्वारा दे दी गई। अब संसद क्या करेगी, इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जो संसद के अंदर होती है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति होती है, इस समिति को सौंप देती है। ये समिति किसकी है, ये आपको देखने को मिलेगी, संसदीय समिति है। ओके, संसद की समिति है, यानी कि संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति होती है, संसदीय समितियों के अंतर्गत आती है। यही इस रिपोर्ट पर विचार करती है, क्या करती है, विचार करती है। इसका कार्य क्या होता है, इस पर विचार करना। ओके, अब ये लोक लेखा समिति है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये लोक लेखा समिति होता है, इसके अंतर राज्य सभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, और साथ में आपको देखने को मिलेगा इसका जो अध्यक्ष होता है वो परंपरा अनुसार विपक्ष का नेता देखने को मिलेगा। यानी कि जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता का मतलब क्या है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है। देखिए सबसे बड़ी जो पार्टी होगी वो तो सरकार चलाएगी, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको विपक्ष की पार्टी बोलते हैं। ओके, तो देखिए जो विपक्ष की पार्टी होगी उसका जो नेता होगा वही हेड होगा लोक लेखा समिति का, क्योंकि देखिए परीक्षण किसका किया जा रहा है, जो सरकार व्यय कर रही है, सरकार जो भी व्यय कर रही है, प्राप्तियां कर रही है, उन्हीं का तो परीक्षण करना है। अब ये सोचो प्रधानमंत्री को ही उसका अध्यक्ष बना दिया जाता तो प्रधानमंत्री ये बताता कि हमारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया, हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, नहीं बताता ना। तो इसीलिए लोक लेखा समिति होती है, इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। समझ गया, आ गया। चलिए आपको यहाँ पर लिखा देते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पर ही लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है। लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं, इसके बारे में सविस्तार में हम लोग संसदीय समितियों में वैसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए लोक लेखा समिति है, इसमें आपको अध्यक्ष देखने को मिलेगा, अध्यक्ष होता है वो, आपको विपक्ष का नेता देखने को मिलेगा, परंपरा अनुसार है भाई, ऐसा कहीं लिखा हुआ उसका नहीं है। ओके, विपक्ष का नेता देखने को मिलेगा, ये क्या है, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार आपको देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी चीज जो लोक लेखा समिति आपको देखने को मिलेगी, इसमें दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें इसके सदस्यों की तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए इसमें जो सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा से होते हैं। ओके, लोकसभा से होते हैं, और आपको देखने को मिलेगा जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो टोटल कितने हो गए, टोटल मिलाकर के 22 सदस्य हो जाते हैं, कितने सदस्य जाते हैं, 22 सदस्य हो जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, सरकार के द्वारा जो व्यय व्यय किया गया है तो उसके बारे में जो लेखा परीक्षण किया गया है कैग के द्वारा, उसकी रिपोर्ट पर ही विचार करना। अब ये विचार करने के बाद क्या होगी, संसद में अपना जो भी इसने निर्णय लिया है वो निर्णय सौंपेगी, मतलब रिपोर्ट बताएगी कि भाई ये सही है गलत है, फिर उस पर संसद में विचार विमर्श चलता है, आगे की प्रक्रिया चलती है। समझ में आ गया आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये व्यक्ति है भाई कैग है, अब ये सरकार के खिलाफ ही तो एक तरह से काम कर रहा है, खिलाफ नहीं कर रहा है ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये किसी की कमियों को उजागर करेगा तो वो सरकार की कमियों की उजागर करेगा ना। अब देखिए तो इसके लिए कुछ स्वतंत्रताएं देना जरूरी होगी, इसकी पद की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो मेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यही चीज आपको सेम लिख देनी है, और क्या करना है फिर बल्ले बल्ले करके एंजॉय करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी पद की स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं, पद की सुरक्षा या फिर कैग की स्वतंत्रता। ओके, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं,
चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है। नंबर एक अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यह है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि जब चाहे राष्ट्रपति उठा लेगा इसको, नहीं। ओके, महान्यायवादी क्या था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, लेकिन ये नहीं करता है भाई, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करता है आपको पता है। व्यवहार में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वही किसकी है, मंत्री परिषद की है, और मंत्री परिषद ही क्या है, सरकार है। तो सरकार जैसी ही क्या दिखाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ इधर, थोड़ा सा घपला हुआ इधर, तो क्या करेंगे, उठा के धर लेंगे वो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा भाई, इसको हम पद की सुरक्षा दे देते हैं, जिससे क्या हो, ये निष्पक्ष होकर के निर्णय ले सके, निष्पक्ष होकर के अपना कार्य कर सके। ओके, दबाव में आकर के काम नहीं करना भाई इसको। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दूसरा पॉइंट, कैसे इसको स्वतंत्रता या फिर इसकी पद की सुरक्षा दी गई है। आपको देखने को मिलेगा इसके हटाने की प्रक्रिया या फिर पद मुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया है वो एक आपको जटिल प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अगर हटाने और प्लस वेतन भी यहाँ पर लिख लीजिए कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, दोनों आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आपको देखने को मिलेगा। हटाने की प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है, जैसे संसद में विशेष बहुमत, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद इसको हटाया जाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर वेतन की बात करें वो भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, यानी कि भारत की संचित निधि पर इसकी वेतन भत्ता होगा वो निर्भर करेगा। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका जो वेतन भत्ता है वो संसद निर्धारित करती है, लेकिन इसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अभी आपको समझाते हैं। देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इसकी नियुक्ति के पश्चात जैसे मानते हैं नियुक्ति के समय इसके इसके लिए जो भी सैलरी मिलती थी, मानते हैं 3 लाख रुपए। ओके, मान लेते 3 लाख रुपए सैलरी मिलती थी और इसको अदर चीजें अदर फैसिलिटी भी मिलती थी। अब देखिए जब इसकी नियुक्ति हुई उस समय इसकी जो सैलरी थी वो 3 लाख रुपए थी। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, इसकी नियुक्ति के बाद अब कहे कि अब हम इसकी क्या करेंगे, सैलरी में कटौती करेंगे। नहीं भैया, इसकी नियुक्ति से पहले कर दो, बाद में नहीं कर सकते। नियुक्ति के पश्चात कोई भी इनके जो वेतन में या फिर कोई भी चीज है, अलाभकारी का मतलब क्या है, जो इसके लाभ में ना हो उसे बोलेंगे अलाभकारी। अलाभकारी परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी संसद से भी इसको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और अगर हम बात करें इसकी पद मुक्ति की, ओके, पद मुक्ति की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक सरकार का पद नहीं है। ओके, गवर्नमेंट है वो, सरकार है वो इसे पद मुक्त नहीं कर सकती। ओके, सरकार है वो इसे पद मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर ही हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो इसके कर्मी होंगे, मतलब इसके यहाँ जो भी इसके विभाग में काम करते होंगे, इसके जो कर्मी होंगे, तो कर्मियों की जो सेवा करते होंगी वो राष्ट्रपति तय करेगा, लेकिन राष्ट्रपति है वो कैग की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जो इसके विभाग के जो कर्मी होंगे उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन यहां पर कैग की सलाह के अनुसार या फिर कैग के परामर्श के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, कैग के परामर्श के अनुसार, परामर्श के अनुसार लिख लीजिएगा आप लोग, इधर जगह नहीं है इसलिए लिख दिया, कैग के परामर्श के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा कि उसके जो कर्मी हैं उनकी सेवा करते क्या होंगी। ओके, जिससे सरकार वो मनमानी ना कर सके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप उसके व्यक्ति हैं, उसके कर्मचारी हैं, उसके अंडर में काम करने चाहिए, ना कि सरकार के अंडर में।
वरना क्या होंगे, सरकार का प्रभाव उन पर हो जाएगा तो वो चीजें नहीं बताएंगे क्या के लिए, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो विभाग का खर्च है मतलब व्यय है, साथ में अगर हम इनके वेतन की बात करें, भत्ते की बात करें और जो अदर चीजें दी जाती हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं, भारत की संचित निधि पर। ओके, संचित निधि पर, संचित निधि पर भारित होती हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि संसद में इनके जो वेतन भत्ते हैं इनके लिए मतदान नहीं किया जा सकता है। ओके, संसद में इसके ऊपर मतदान नहीं किया जा सकता, मतदान मतलब वोटिंग नहीं की जा सकती, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो इनके आधार पर ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी, तो क्या हुआ, इससे पद की सुरक्षा तो मिली, गवर्नमेंट से इसको थोड़ा स्वतंत्र किया गया, संसद से इसको स्वतंत्र किया गया, वरना उनके दबाव में आकर के ये अपने निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाता, तो इसी वजह से ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं थोड़ा सा आलोचनाओं के बारे में, ये थोड़ा सा आगे चलिए बता देते हैं। देखिए जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है ये आपको संडे को मिला करेगी, विजय हिंदी में आपको कराया करेंगे, तो आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों के पास ये 8 के बाद जो विजन टेस्ट सीरीज 8 के बाद अगर आप लोगों के पास पड़ी है तो हमें जरूर सेंड कर दें, हम सभी लोग सेंड कर देंगे। एक्चुअली हमें नेट पर 8 तक ही मिली थी, इसके बाद हमको नहीं मिली थी, वैसे हम जीरोक्स करा लाए, अगर आप लोगों के पास नहीं होगी तो जो जीरोक्स है उसको हमें यानी कि स्कैन करना पड़ेगा, फिर मोबाइल से फोटो खींच करके पीडीएफ बनानी पड़ेगी तब अपलोड करेंगे। देखिए अपलोड तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास पड़ी होंगी तो आप लोग सेंड कर दीजिए, थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो जाएगी, वरना स्कैन करने में फिर पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। वैसे हमारे पास सारी पड़ी हुई है तो हम वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर आप लोग पास पीडीएफ कहीं पर है इस 8 के बाद में तो आप लोग एक बार जरूर सेंड कर दीजिए, सभी की थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और क्लब का मतलब भी है सभी का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग आईएएस बाबा मैगजीन है, ये 1 ईयर का हम यहाँ पर करंट अफेयर प्रिपेयर कराने वाले हैं, अगर जो लोग 2022 का पीटी दे रहे हैं उनके लिए रामबाण है, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग में 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर सभी मैगजीन है जो आपको मई से कवर कराएंगे, मई 2021 से लेकर के आपको 22 मई तक की सारी कराई जाएंगी यहाँ पर कंप्लीट, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर आपके मैक्सिमम सभी चीजें अच्छे से फंस जाएंगी और करंट अफेयर के थ्रू आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव एनहांस कर सकते हैं और वो टॉपिक आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो करंट अफेयर पढ़ाएंगे वो इंटरलिंक करके पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि टॉपिक पढ़ाते हुए निकल गए, आपको सिलेबस से लिंक करते हुए पढ़ाएंगे। ओके, तो आप लोग इसको भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, शाम 5 बजे से आज आपको देखने को मिलेगी, शाम 5 बजे वीडियो अपलोड होगी, आप लोग आकर के देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, आज से ही हमारे जो बैच में आपको जियो मॉर्फोलॉजी से, ओके ज्योग्राफी में जियो मॉर्फोलॉजी से नया टॉपिक से आज ही से वीडियो मतलब क्लासेस स्टार्ट हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आकर के, यहाँ पर सिर्फ 99 रुपीज में आप लोगों के यहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ दिया जाता है, आप लोग आकर के ज्वाइन करेंगे। और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस हमारी ऐप के ऊपर चलती हैं, और ये जो टास्क है ये भी आपको मिलता है, ये टास्क के थ्रू आप लोग अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, मैपिंग लोकेशन किस तरह से पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। और अगर आप लोग हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं और वन टाइम पेमेंट करते हैं तो इस कोड का आप लोग उपयोग करेंगे RGSIR9, तो RGSIR9 कोड उपयोग करने पर आपको एक्स्ट्रा 60% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 1777 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और सिर्फ 999 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में आप लोगों के लिए पूरी की पूरी आईएएस और पीसीएस की कोचिंग यहाँ पर कवर कराई जाएगी, मतलब फुल सिलेबस है जो जीएस का वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। आप लोग क्लासेस देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन क्लासेस आपकी होती है, हिंदी में एक एक टॉपिक अच्छे से यहाँ पर क्लियर करते हैं, ज्योग्राफी की कुछ डेमो वीडियो पड़ी हैं वो आप लोग जाकर के देख सकते हैं इस अचीवर बैच में, ये प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर,
तो जाकर के देख लीजिए इस अचीवर बैच वाले प्लेलिस्ट में। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो मैसेज कर दीजिए, वहां पर भी आप लोगों के लिए सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की भी डेमो वीडियो, पॉलिटी की भी यहाँ पर मिलती ही मिलती है। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर रह गया था वो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें जो कैग के बारे में, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर कैग के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैग की आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो चलिए हम लोग आलोचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। ओके, और आप निष्कर्ष में आपको क्या बोलना है, अगर आपसे बोला जाए कि कैग के पद को समाप्त कर देना चाहिए, इसका कोई भी व्यावहारिक महत्व नहीं है, तो आप लोगों का मत क्या होगा, आप लोगों का झुकाव किस ओर होना चाहिए, ये चीज आपको देखनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको भी नहीं बोलना कि कैग को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए आलोचनाएं किस आधार पर की जाती हैं हम लोग वो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक आलोचना है आपको देखने को मिलेगा, अभी हम स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे, पॉल एप्पल बाई आपको देखने को मिलेगा, एप्पल बाई। देखिए ये क्या है, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी जो आलोचक है कैग के पद की ये है। इनका मानना है कि कैग है वो कहीं ना कहीं है, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो होता है कानूनी दृष्टिकोण होता है, यानी कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन जो प्रशासन चलता है वो व्यवहार में चलता है, और व्यवहार में चीजें अलग होती हैं, और इसके कारण ही जो प्रशासनिक लोग होते हैं वो अपनी पूर्ण दक्षता का उपयोग करते हुए सारी चीजें निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है इन चीजों के। भी व्यवहार में अगर हम देखें तो चीजें क्या होती हैं, अलग होती हैं, सैद्धांतिक तौर पर अलग होती हैं। जैसे हम जब रुपए खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा व्यवहार में बहुत पैसा इधर उधर हो जाता है, और कहीं पर कम ज्यादा लग जाता है। इनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अतिरिक्त व्यय हो गया। ओके, अतिरिक्त व्यय हो गया, ये कोई निश्चित नहीं कर सकता। आपको लगता है कि अगर दिल्ली में हम बैठे हैं तो दिल्ली में जितना कॉस्ट आ रहा है उतना ही कॉस्ट चेन्नई में बैठ के उस चीज को निर्माण करने में आएगा, पता कर सकते। तो व्यवहार में और सैद्धांतिक तौर पर सारी चीजें अलग अलग होती हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इन्हें इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये नियंत्रण नहीं करते, बस लेखा परीक्षण करते, भाई लिख के रख लिया उसमें आप क्या कर लिए, उसमें तो आप कुछ कर नहीं, या उस भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर धन की बर्बादी हो रही है उसको रोक नहीं रहे, बस लिख रहे हो, और लिखने का फायदा क्या है, इनका कहने का मतलब है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार हो जाता है उसके बाद इनका कार्य शुरू होता है, यानी कि इनका जो कार्य है वो भूत लक्षी कार्य है। जैसे कि अब क्या था, 1 करोड़ रुपए था वो शौचालय बनाने के लिए भिजवा दिया गया, अब शौचालय बनाने के लिए भिजवा दिया गया उसके बाद इनका कार्य प्रारंभ होगा। ओके, अब जब शौचालय बन जाएगा तो इनका निष्पादन का कार्य प्रारंभ होगा, यानी कि अब देखेंगे भाई शौचालय बनाने में 1 करोड़ रुपए जो आवंटन किया गया था उसमें से कितना रुपए है उसका लूप होल हुआ। अब भाई वो लूप होल हो ही गया, जो शौचालय बनने से उनकी गुणवत्ता बेकार हो ही गई, अब क्या है, अब दोबारा से क्या किया जा सकता है, तो इनका कोई महत्व नहीं है भाई, इनका पद क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और ये बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं ऊपर से। तो चलिए हम लोगों का मत क्या होगा, हम कैसे अपने इस जो आलोचनाएं हैं इनको कैसे काउंटर करेंगे, और कैसे अपना बेहतर से बेहतर आंसर लिख सकते हैं वो आपको बताएंगे, फिर हम लोग एमसीक्यू के ऊपर भी आएंगे। तो देखिए जो पॉल एप्पल बाई हैं इनके अनुसार जो कैग है, जो कैग की सक्रियता के कारण, कैग की अधिक सक्रियता के कारण जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो निर्भीक होकर के अपने काम नहीं कर पाते। ओके, निर्भीक होकर के अपने कार्य नहीं कर पाते, जिससे उनकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको डर रहता है, वो निर्भीक होकर के सारे डिसीजन नहीं लेते, वो कहते क्यों झमेले में पड़े, अरे छोड़ो पैसा आया है पढ़ा रहे दो, दोबारा से गवर्नमेंट के पास लौट जाएगा, तो वो निर्भीक होकर के काम नहीं कर पाते, डर डर के काम करते हैं। जब कैग ज्यादा ज्यादा सक्रिय हो जाता है तब आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि जो कैग है, इनका मानना था कैग है इसका जो दृष्टिकोण होता है, कैग का जो दृष्टिकोण होता है, ओके, दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है, वो कानूनी या फिर सैद्धांतिक देखने को मिलेगा, कानूनी
या फिर सैद्धांतिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं हम बात करें जो प्रशासन चलाया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है वो व्यवहार में चलाया जाता है, व्यवहारिक स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे चलाया जाता है। ग्राउंड लेवल पे चीजें अलग होती हैं आपको देखने को मिलेंगी, और जो प्रशासन होता है वो व्यवहारिक होता है, जिसके कारण इन दोनों के नजरिए में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, जो चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आलोचना की जाती है कैग के पद की, आपको देखने को मिलेगा जो कैग का पद है, कहने का मतलब कैग का पद है ये एक मिथ है। क्या है? मिथ है। ओके, जिसको मिस नॉर्म्स भी बोलते हैं, मिस नॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में मिथ्या बोलते हैं। ओके, मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि बोला जाता है, देखिए महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक है, परीक्षक है जो कैग है वो क्या है? महालेखा परीक्षक है। कैग है वो कोई नियंत्रक नहीं है। नियंत्रक क्यों नहीं है? कैग है वो कोई नियंत्रक नहीं है, नहीं है। ओके, इसीलिए बोला जाता है क्या है इसका पद है वो सिर्फ एक मिथ्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे जब धन का आवंटन हो जाता है, जब धन खर्च हो जाता है, जब कार्य पूरा हो जाता है, तब इनका कार्य प्रारंभ होता है। अब देखो जाकर के किसी ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है, कहीं पर लूप होल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जो कार्य है वो भूत लक्षी देखने को मिलेगा। और ये नियंत्रक नहीं करता कि भाई इसके लिए पैसा जाना है या फिर आना है, ये नहीं करता भाई। ओके, इसका काम सिर्फ ये देखना है कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो वहां पर लूप होल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन का जो कैग होता है, ब्रिटेन का जो कैग होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। वो महालेखा परीक्षक भी होता है और साथ में नियंत्रक भी होता है। यानी कि भारत में अगर भारत की संचित निधि से व्यय करना है तो कैग है, कैग इस पर नियंत्रण नहीं रखेगा, मतलब कैग नहीं बताएगा कि भाई कि इतना पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, वो आवंटन नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटेन में एक एक पैसा निकालने के लिए कैग की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ब्रिटेन में जो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से खर्च करने के लिए, कैग की अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती भाई। खर्च हम कर रहे हैं तो ये देखो कि हम जिधर खर्च कर रहे हैं उधर ही पैसा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ओके, देखिए एक तरह से नियंत्रण तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनुमति नहीं देता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना जा रहा है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रिटेन का क्या क्या भी वो अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, वो महालेखा परीक्षक भी है और नियंत्रक भी है। भारत का सिर्फ महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। ओके, इसके अलावा चौथा पॉइंट है जिसके आधार पर कैग के पद की आलोचना की जाती है, वो आपको देखने को मिलेगा जो कैग का कार्य है। ओके, कैग का जो कार्य है वो कार्य कैसा है? भूत लक्षी, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे, भूत लक्षी है। ओके, कैसा है? भूत लक्षी। भूत लक्षी का मतलब क्या है? जब कार्य हो जाता है उसके बाद इसका कार्य प्रारंभ होता है। चलिए हम लोग निष्कर्ष के ऊपर आते हैं भाई। निष्कर्ष में हमको क्या बोलना है? अगर आपसे पूछा जाए आलोचकों के मत के अनुसार कैग के पद को समाप्त कर देना चाहिए, आप इस कथन से कहां तक सहमत? 250 शब्द आंसर लिखें। ओके, तो आपको बोलना है कि जो कैग है, व्हाइट कलर ले लेते हैं यहां पर, जो कैग है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको देखने को मिलेगा। कैग प्रत्यक्ष रूप से, आपको इस तरह से अपना निष्कर्ष देना है, कैग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार, को नहीं रोकता, लेकिन आपको देखिए इस तरह से यहां से इंपॉर्टेंट चीज प्रारंभ होती है, लेकिन लेकिन व्यवहार में, दो कारणों से, इसकी भूमिका,
भूमिका भ्रष्टाचार को रोकने में, भ्रष्टाचार को रोकने में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, लिख लीजिएगा हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, तर्क भी तो देना पड़ेगा। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए मिल जाएगी, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा, एक कैग अपनी रिपोर्ट, कैग की जो कैग होती है, तो कैग अपनी जो रिपोर्ट देता है। अब इस रिपोर्ट में बताएगा ना कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा है उसका अतिरिक्त व्यय हुआ है, वो उसका लूप होल हुआ है, लीकेज हुआ है। अब उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही लोग या वो कोई संगठन है वो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसी रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर पीआईएल न्यायालय में पीआईएल यानी कि जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, दायर की जा सकती है। ओके, अब देखिए, जब जनहित याचिका इस आधार पर दायर की जा सकती है तो सरकार क्या हो जाएगी, जवाबदेही हो जाएगी। उसको तथ्य हैं वो अपने दिखाने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं कंट्रोल तो आ रहा है ना। ओके, एक चीज आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी क्या है, आपको देखने को मिलेगा दूसरा जो कैग है, ओके कैग है वो सरकार के द्वारा या फिर किसी भी निकाय के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है। रोका नहीं लेकिन उजागर तो किया, एटलीस्ट उसने इतना तो बताया कि 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए है वो भ्रष्टाचार उसका हुआ है, वो कहाँ गया है, बस उजागर किया। उसने रोका नहीं भाई कि 10 लाख रुपए है, ये भ्रष्टाचार हो गया, हम इसको रोक दिए, हम ले आए इसको ला करके। उसका लाने का काम नहीं है, उसने इतना बता दिया 10 लाख रुपए है, ये कहाँ गया भाई, किधर गायब हो गया, किधर गुम हो गया। तो आपको देखने को मिलेगा भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उजागर करता है। ओके, अब जब देखिए भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो आपको देखने को मिलेगा भारत में नियतकालिक चुनाव प्रणाली है, भारत में आपको देखने को मिलेगा भारत में नियतकालिक चुनाव आधारित शासन प्रणाली है, जिसमें जिसमें जनता की अदालत, अदालत सर्वोपरि हो जाती है। ओके, एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जनता की अदालत है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बाध्य करती है सरकार को, कि जनता है अगली बार उसको वोट नहीं देगी। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इन आधारों पर क्या है, इसकी भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए आप लोगों को बता देते हैं जो 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन है वो आपको भी फिर से बताना है। ओके, अगर हम कैग की बात करें तो आपको जो फर्स्ट जो कैग है भारत के वो आपको देखने को मिलेंगे कि बी एन राव देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें 2017 की, ओके वैसे 2017 वाले हैं ये, आपको इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिलेंगे। जो राजीव महर्षि आपको देखने को मिलेंगे, महर्षि जिनका नाम था, ओके महर्षि जिनका नाम था। और वर्तमान में 2020 से नए हैं, 2020 में 14वें नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम आप लोगों के लिए बताना है। ओके, सभी लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, खोज करके रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 14वें नंबर के कौन से हैं वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराते हैं, और फिर थोड़े एमसीक्यूज हैं वो आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए देंगे हम। आपको लगभग में 15 से 20 एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग समझ में आ जाएगा।
और मेंस का क्वेश्चन भी लिखने का प्रयास करिए। दो क्वेश्चन अभी बीच में हम बोले थे उन पर लिखने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। एमसीक्यूज हैं वो, हम अभी देखते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ा है वो कितना आउटपुट निकला है। ओके तो देखिए आपको 1 मिनट ये दिखा देते हैं, जो हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है आप लोग जानते हैं सेकंड फाउंडेशन बैच। तो ये ऐप है अपनी, जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की है वो जाकर के ऐप इंस्टॉल कर लें, क्लब आई असिस्टेंट के नाम से आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। और ये वाला बैच है ये अचीवर बैच आपको देखने को मिलेगा, ये अचीवर बैच ही नया बैच है, इसी में आज से ज्योग्राफी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। भू आकृति विज्ञान से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 99 रुपए में। ओके तो आप लोग जाकर के इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और 7 बजे से अभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इसके बाद आप लोग एक क्लास ज्वाइन किए फिर बीच में आपको आईएस बाबा की मिलेगी, फिर उसके बाद में आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो किसकी होगी, इस ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी। ओके और ये हमारा पुराना बैच है सेकंड फाउंडेशन बैच, तो जो लोग 2022 पीटी दे रहे हैं वो लोग इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस जो चल रही है वो आप उसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसी बैच में हम आपको कितनी क्लासेस देंगे, किस तरह से देंगे, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया है। इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वीडियो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एमसीक्यू देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये लिंक है ये व्हाट्सएप पर आपको दे दिया जाएगा, तो इस तरह से आप सारी पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और एमसीक्यू की भी ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ओके तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसके बारे में हम लोग एमसीक्यू देखने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड किधर से लगे, एक्चुअली हैंग कर रहे हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड इसको कट कर देते हैं, अब हैंग नहीं करेगा शायद। ओके ये देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, बस 1 सेकेंड रुकिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया रखा है, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया रखा है, निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, इतना पढ़ लिया थोड़ा सा विचार करना भी तो बनता है अपने लोगों का। तो देखिए इसमें बोला है कि निम्न कथनों पर विचार करें, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि पर कोई अधिकार नहीं रखता है। कोई अधिकार नहीं भाई, अधिकार रखता है। ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो पहला कथन क्या है आपको देखने को मिलेगा, कौन सा कथन सही है। ओके कौन सा कथन सही है, एक्चुअली ये क्या है, अधिकार नहीं रखता है आपको देखने को मिलेगा, ये कथन क्या है सही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया। ओके ये भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सही है। संसद के कौन से अधिनियम के द्वारा देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 1971 कैग अधिनियम, कैग अधिनियम 1971 आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, दोनों सही हो गए, ये अधिकार नहीं रखता है। ओके क्योंकि यहाँ पर तथ्य पूछा है इसीलिए। ओके तो देखिए इसका दोनों ऑप्शन सही है तो हम लगा देंगे, पहला और दूसरा क्या हो गया, दोनों के दोनों सही हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है वो बोलता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सत्य है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए पहला कूट दिया रखा है आपको देखने को मिलेगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में वो प्रस्तुत करता है, नहीं करता है भाई। ओके हम लोगों ने अभी देखा था इसमें सभी सार्वजनिक जो प्रतिष्ठानों की आय एवं व्यय का वितरण शामिल होता है, देखिए वितरण शामिल होता है। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो आकलन समिति की टिप्पणी के बाद इसे लोक सेवा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ओके नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा संसद की लोक लेखा समिति के परीक्षण के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है, यस प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा सही है, दूसरा सही है और आपको देखने को मिलेगा चौथा सही है। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन इस तरह का दिया रखा है, दूसरा और चौथा, देखिए दूसरा और चौथा ये दिया रखा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही देखने को मिलेगा। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ ये धुंधला हो गया है, एक्चुअली लगता है ये ठीक से स्कैन नहीं हो पाया है। ये आपको देखने को मिलेगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में
निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब तो सॉरी हाँ मतलब असत्य मतलब सत्य नहीं है, वही बात आपको देखने को मिलेगी। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला कथन दिया रखा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओके तो देखिए ये वाला, और दूसरा ऑप्शन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। ओके तो देखिए यही आपको देखने को मिलेगा, ये सत्य नहीं है। ओके ये सत्य नहीं है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यह सभी आपको बताए थे क्या होते हैं, भारित होते हैं। ओके तो ये भी सही था, लेकिन हमें क्या तलाशना है, हमको असत्य वाला तलाशना है। ओके भारत के, ओके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, यह सभी हम आपको बताए थे। क्या कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, हम आपको बताए थे। ओके चलिए हम लोग देखते हैं चौथा वाला, इसमें क्या दिया रखा है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के वित्तीय मामलों के निरीक्षण से संबंधित है, मतलब कौन जो भारत सरकार के जो वित्तीय मामले होते हैं उनका निरीक्षण करता है। ओके तो देखिए एक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लेखा का महालेखा परीक्षक आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए ये नहीं करता है। ओके इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये वाला करता है। देखिए अब पहला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया तो इस हिसाब से पहला ये वाला भी गलत हो गया, और इसमें भी देखिए पहला दिया रखा है तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। ओके दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, और देखिए दूसरा यानी कि सही है, हमें क्या मालूम है, इतना ही अगर हमें मालूम है कि दूसरा सही है तो यानी कि तीसरा भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो यही थोड़ा सा फायदा कर देते हैं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है, आगे का क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। तो देखिए पांचवा क्या कहता है, देखिए पांचवा कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके इसमें बोल रहा है सत्य नहीं है, मतलब आपको क्या बताना है भाई, असत्य बताना है। ओके तो देखिए वह केंद्र सरकार के जो लेखों का परीक्षण करता है, देखिए केंद्र सरकार के लेखों का परीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, तो राष्ट्रपति को वो सौंपता है। देखिए ये चीज आपको सही देखने को मिलेगी, लेकिन हमें क्या तलाशना है, असत्य तलाशना है। तो ये वाला क्या हो गया भाई, सही हो गया, लेकिन हमको असत्य तलाशना है। कभी कभार यही गलती कर देते हैं भाई, सत्य सत्य में हम पढ़ते हैं हमको लगता है ये सही है एकदम, टिक मार दिया पहले, लेकिन नहीं, अभी हमको क्या तलाशना है, असत्य वाला तलाशना है, गलत वाला तलाशना है। तो चलिए देखते हैं, वह राज्य सरकारों के लेखा का परीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। भाई राज्य का करेगा तो राज्यपाल को ही देगा ना, केंद्र की अगर भारत सरकार की करेगा तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, तो भाई ये भी सही है, लेकिन हमको भी अभी क्या तलाशना है, असत्य तलाशना है, अभी भी हमको असत्य नहीं मिला। तो देखिए राज्यों में कार्यरत लेख जो लेखा परीक्षकों के कार्य का जो कार्यालयों पर उसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है, आपको हम बताए थे कि उसका नियंत्रण होता है। ओके क्यों उसको स्वतंत्रता दी गई है, तो हमको क्या मिल गया भाई, गलत ऑप्शन मिल गया, यानी कि ये क्या है, इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि हमको क्या तलाशना था, असत्य हमको तलाशना था। डी भी एक बार देख लेते हैं, यदि किसी मामले में संसद उससे किसी प्रकार की जानकारी चाहती है तो वह लोक लेखा समिति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत कर सकता है या उपलब्ध करा सकता है, या उपलब्ध करा सकता है। ओके तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन हमको क्या तलाशना था, असत्य तलाशना था। ओके तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य नहीं है, मतलब सॉरी सत्य नहीं है, मतलब असत्य पूछ रहा है। ओके ये असत्य और सत्य बहुत ज्यादा गलत करा देता है, तो जब भी आप लोग क्वेश्चन किया करिए तो जो सत्य है या फिर असत्य है उस पे एक गोल लाइन करना करा करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना क्वेश्चन क्या हो जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है पेपर में ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस जाते हैं, आते आते क्वेश्चन सरल सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम चांसेस होंगे गलत होंगे, जो सबसे ज्यादा सरल होगा वही चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा गलत होने की। ओके तो हमको असत्य तलाशना है, तो देखिए केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता,
कोई भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये चीज हम वहां पर बताना भूल गए, लेकिन यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, कोई भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो ये क्या है, ये सत्य है, लेकिन हमको कैसा तलाशना है, हमको असत्य तलाशना है भाई। ओके, यानी कि जो सत्य ना हो वो हमको बताना है। उसका वेतन और जो भत्ते हैं वो भारत की संसद में भी भारित होते हैं, हम आपको बताए थे भाई, उसको पद की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए उसका वेतन भत्ता किस पे भारित कर दिया, भारत की संसद ने भी भारित कर दिया। इस हिसाब से ये भी सत्य है, लेकिन हमको असत्य तलाशना है। चलिए हम लोग देखते हैं, वह किसी ऐसे व्यय पर अपनी अनुमति से इनकार नहीं कर सकता जो उसकी नजर में संविधान का उल्लंघन करता हो। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा, असत्य है। ओके, ये क्या है, गलत है, और हमको क्या तलाशना था, गलत ही हमको तलाशना था। ओके, क्योंकि वो अनुमति से इनकार करने ना करने की बात ही नहीं आती, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और देखिए, ए है सेवा निवृत्ति के बाद वह केंद्र या राज्य सरकार में कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जब वो पदमुक्त हो जाता है, मतलब उसका कार्यकाल जब पूरा हो जाता है, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनके अधीन जितने भी पद हैं, मतलब जो आपको देखने को मिलेंगे, उनके अधीन जो भी सरकारी पद होते हैं, उन पर जाकर के वो जॉब नहीं कर सकता, भले ही अभी उसकी आयु कितनी ही क्यों ना हो, भले ही उसकी आयु भी 50 साल ही क्यों ना हो, उसको क्योंकि लालच नहीं देना भाई उसको, कि ऐसा नहीं कि अब भाई 6 साल के बाद तुम क्या तो रहोगे नहीं, तो हमारे भ्रष्टाचार कुछ पालो, हम तुमको इस नौकरी पर तुम्हें नौकरी दे देंगे सरकार, इस वजह से ऐसा किया गया, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इस वजह से ए बी ऑप्शन नहीं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, ये ऑप्शन क्या है, सही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमको क्या तलाशना है, असत्य तलाशना है, मतलब जो सही नहीं है वो बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं सातवां पॉइंट, ये देखने को मिलेगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। देखिए, इनमें से किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति है, तो ये तो डायरेक्टली हम लोगों को ऑप्शन मिल गया, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज और बता देते हैं, जैसे कभी कभार आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि आखिर ये अपना प्रतिवेदन है, अपनी रिपोर्ट है, किसको सौंपेगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको वहां पर ऑप्शन लगाना है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा, जो उसकी नियुक्ति करेगा, जो व्यक्ति उसकी नियुक्ति करेगा, वो अपनी रिपोर्ट उसी को सौंपता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, ये आठवां पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आठवां पॉइंट है, सॉरी, आठवां क्वेश्चन है, वो बोलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों को उसके कार्यकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी हम आपको बताए थे कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, जब एक बार वो नियुक्त हो जाता है तो नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मिल गया ना ऑप्शन देखिए, सीधा सीधा अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध कोई अलाभकारी निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। ओके, तो देखिए ये क्या है, हमें आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, कारण देखते हैं, कथन तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कारण आर। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय एक संवैधानिक कार्यालय है। ओके, संवैधानिक कार्यालय है, तो ये भी कथन आपको क्या देखने को मिलेगा, सही देखने को मिलेगा। और ये इसका क्या करता है, सही व्याख्या करता है। आखिर कैसे पता चलता है कि कौन है, इसे जो कारण है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर नीचे वाले सेंटेंस से पढ़ने से पहले आप इसलिए लगा दें या फिर क्योंकि लगा दें, क्या लगा दें, इसलिए या फिर क्योंकि, इसलिए या फिर क्योंकि, क्योंकि लगा दें, तो अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, अगर वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी सही व्याख्या करता है। देखिए, आपको पढ़ के एक बार दिखाते हैं। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्तों के कार्यकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो कार्यकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध कोई अलाभकारी निर्णय भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारत के नियंत्रक, अब देखिए हमने कौन सा शब्द जोड़ा, क्योंकि जोड़ा, क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल एक संवैधानिक कार्यालय है। क्या है, एक संवैधानिक कार्यालय है, इसीलिए क्या है, अब देखिए पहले आपने क्या जोड़ा, क्योंकि जोड़ा, तो सेंटेंस क्या हो गया, पूरा हो गया। अब देखिए, अब इसीलिए एक बार जोड़ करके देखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय एक संवैधानिक कार्यालय है, इसलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्तों और उसके कार्यकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि क्या है, दोनों कथन सही है। पहली बात तो हमको ये समझ में आ गया, और नीचे वाला कथन है कि इसकी सही व्याख्या भी कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा, हम चलिए देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमको ऑप्शन पहला ही सही मिल गया, ओके, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोग क्या करना है, इसी तरह से आप लोग करिएगा, आराम से आप लोग कर लेंगे। जब देखिए कथन जब पढ़े, देखिए कथन जब पढ़े तब इसमें क्या लगा देना है, क्योंकि लगा देना है, क्योंकि लगा देना है, ओके। तो अगर इसका सेंटेंस पूरा हो जाए, ओके, अब पहले आपको जानना होता है कि दोनों कथन सही है या गलत है। आपको पता चल गया दोनों कथन सही है, अब फिर आपको सेंटेंस पढ़ते समय बीच में क्योंकि लगाना है, और सेंटेंस पूरा हो गया तो समझ लीजिए इसकी सही व्याख्या कर दे रहा है। या फिर जब आप इसको पहले पढ़े, मतलब कारण को पहले पढ़े, फर्स्ट नंबर पे किसको पढ़ना है, कारण को, कारण को पढ़ते समय और जब कारण खत्म हो तब आपको लगा देना है इसलिए लगा देना है। जब आप इसलिए लगाएंगे तो अगर ये सेंटेंस पूरा हो जाता है तो समझ लीजिए इसकी सही व्याख्या करता है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं नवा क्वेश्चन। तो देखिए नवा क्वेश्चन क्या कहता है, नवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक सेकेंड यहां पर पेन ले लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो सभी प्रतिवेदन है, देखिए यहाँ पर जो सभी प्रतिवेदन है ना इसको काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, के प्रतिवेदन है वो केंद्र एवं राज्यों के लेखे से संबंधित होते हैं और वो राष्ट्रपति को सौंपता है, ओके। राष्ट्रपति को नहीं सिर्फ सौंपता है, राज्यपाल को भी सौंपता है। राज्य से संबंधित होगा वो किसको सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा, ओके। ये क्या हो गया, ये कथन क्या हो गया, गलत कथन हो गया, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राज्य के लेखों से संबंधित होते हैं और इसे राज्यपाल को सौंपता है। देखिए जो आपको देखने को मिलेगा राज्य से संबंधित होते हैं वो किसको सौंपता है, राज्यपाल का भी सौंपता है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राज्यों के लेखों से संबंधित होते हैं और इसे केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ये आपको देखने को मिलेगा इसका ऑप्शन है वो दूसरा सही होगा, लेकिन एक सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है, ये फिर भी पूर्णतः सही नहीं है, ओके। पूर्णतः सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपको देखिए समझाते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं उनमें कई सारी मिसप्रिंट आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए बोल रहा है राज्य के लेखे से संबंधित होते हैं, देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, या फिर हम यहाँ पर सभी भी लिख लें तब भी ये क्वेश्चन गलत होगा, अगर सभी हटा दें फिर भी ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इसमें आंसर ये वाला दिया रखा है और आंसर ये वाला होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो प्रतिवेदन होते हैं राज्य के, देखिए अभी आपको क्लियर करके समझाते हैं, इसमें देखिए आंसर कैसे गलत दिया रखा है। आपको देखने को मिलेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए ध्यान सुनिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सभी प्रतिवेदन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी प्रतिवेदन राज्य के लेखे से संबंधित होते हैं, नहीं भाई सिर्फ राज्य के लेखे से संबंधित नहीं होते हैं, केंद्र के लेखे से भी तो संबंधित होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा आपको बताए थे जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती है उनके लेखे से भी तो संबंधित होते हैं, ओके। तो इसीलिए सेंटेंस पूरा होगा ही नहीं, मतलब अगर हम इसमें सभी लगा देना तो सभी के अनुसार ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और फिर इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन फिर जाएगा, लेकिन इस बुक के अंदर जो इसमें आंसर के नीचे दे रखी है उसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है, ओके। तो आप लोगों को बता दीजिए जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, मिसप्रिंट बहुत सारी होती है, ओके। कॉन्सेप्ट अपना ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग 10वें नंबर पर आते हैं, देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर कार्यवाही करने की शक्ति निम्न में से किस में निहित होती है, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा संसद में निहित होती है, ये पहले ही हम आपको बता दिए, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 11वां, चलिए 11वें पर आ जाते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ओके, जल्दी ऊपर चला गया, एक सेकंड रुकेगा। ये देखिए 11वां क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये क्या विचार करना है देख लेते हैं एक बार। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो सरकारी व्यय का लेखा जोखा है वो दिखाता है,
ओके, तो देखिए वो इसका लेखा जोखा है वो दिखाता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वो वित्तीय नीतियां बनाता है। भाई वित्तीय नीतियां कहाँ बनाता है? आपने देखा कि वित्तीय नीतियों के बारे में हम बताएं कि वो वित्तीय नीतियां बनाता है? नहीं बनाता है। तो क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए है इसमें दूसरा दिया रखा है, ये भी गलत हो गया। इसमें दूसरा दिया रखा है, ये भी गलत हो गया। चलिए अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जा रही है। वो विभिन्न विभाग को अनुदान जारी करता है। अरे हम अभी आपको बताए थे उसका नियंत्रण नहीं होता है, उसका नियंत्रण जो आकस्मिक निधि होती है, पहला ही क्वेश्चन था हम अभी आपको सॉल्व करा रहे थे, हम बताए थे ना वहां पर नियंत्रण नहीं होता। भाई वो देखता है अभी, नियंत्रण नहीं रहता उसका, आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए ये भी क्या है, तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दो ऑप्शन सही है तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? ये वाला ऑटोमेटिकली सही हो गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे उसके पद से उसी प्रकार उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी हम पढ़े नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायाधीश को हटाया जाता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन एक क्या है ये हमको पता चल गया सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन मल्टी चॉइस रूप में पूछा है। तो देखिए कल ही हम आपको पढ़ाए हैं, आप क्या पढ़े हैं, दो ही चीजें हम आपको पढ़ाए हैं। देखिए अब दो ही चीजों से आप कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर देंगे। एक तो आपको ये पता है भाई ये ऑप्शन सही है, और एक हम आपको पढ़ाए थे कल ही ये टॉपिक आपको चला है भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे हटा सकता है। यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो चौथा ऑप्शन गलत होने पर क्या हो गया? ओके, ये आपको देखने को मिलेगा, ए भी गलत हो गया, साथ में क्या हो गया, ए भी गलत हो गया। और हमें पता है पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए इन दोनों में किसमें पहला दिया रखा है, इन दोनों में इसमें पहला दिया रखा है, ऑटोमेटिकली सी आंसर सही हो जाता है। तो देखा जरूरी नहीं, अब देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे किस प्रकार से हटाया जाता है, अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपका आंसर सही निकल गया ना। तो देखिए इसीलिए कहते हैं पीटी है वो माइंड गेम है। क्या है? पीटी है वो माइंड गेम है। गधों की तरह पढ़ करके पीटी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट होकर के पीटी को आराम से निकाला जा सकता है। तो देखिए आपको फिर लेकिन बता देते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है, ओके ओके, जो लोक सेवा का अध्यक्ष होता है, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष होता है, इसको जो हटाया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए हटाने के लिए इस प्रकार की संसद में दोनों सदनों में जाकर के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, इसको राष्ट्रपति है वो हटा सकता है। अगर कब हटा सकता है, तो देखिए जो लोक सेवा का अध्यक्ष होता है इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, हटाया जा सकता है, लेकिन इसको हटाया जा सकता है किस आधार पर हटा सकता है? अगर ये दूसरा लाभ का पद धारण कर ले तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, अध्यक्ष को हटा देगा। जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी जिसकी आप लोग तैयारी करते हो उसके अध्यक्ष को हटा सकता है अगर वो दूसरे पद पर चला जाए। ओके, यानी कि दो लाभ के पद धारण कर लेगा, यानी कि एक पर तो ऑलरेडी है, दूसरा जाकर के और नहीं करने लगे तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, इसको हटा देगा। इसके इसके अलावा भी हटाया जा सकता है जैसे वो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से सही ना हो, यानी कि राष्ट्रपति को लगे अब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इस पद के योग्य नहीं रहा है तो वो अध्यक्ष को हटा सकता है राष्ट्रपति। ओके, इसके अलावा भी अगर उसके ऊपर कोई इस प्रकार का मुकदमा चलने लगे, तो मुकदमा चलने लगे मतलब केस हो जाए उसके ऊपर, ओके, कोई आपराधिक केस हो जाए उसके ऊपर, तो भी उसको हटाया जा सकता है। और कदाचार के भी आधार पर हटाया जा सकता है, मतलब भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, किसी चीज का उल्लंघन कर दे, तो क्या होगा, कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति है, जब वो इसके लिए कदाचार के आधार पर हटाएगा, कदाचार के आधार पर हटाएगा, तो कदाचार के आधार पर हटाने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता। राष्ट्रपति है वो पहले आपको सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी जांच करेगा, कदाचार की जांच करेगा कि वास्तव में जो लोक सेवा का अध्यक्ष है वो उसने कदाचार किया है या नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा और वो निर्णय बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति। अगर उसने
अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने कदाचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति अपने मन से कदाचार के आधार पर अध्यक्ष को नहीं हटा सकता। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज को हटाया जाता है, उस तरह से इसको नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जाता। ओके, इसी तरह से आपको ये भी क्या है, दूसरा वाला भी। ओके, तो देखिए पहला पहला आपको देखने को मिलेगा सही है, और ए सही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके लिए भी क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह ही हटाया जाता है। क्यों आपको बता देते हैं। देखिए ये क्या है, निर्वाचन आयुक्त है, मतलब ये चुनाव कराता है भाई। अब चुनाव कराता है तो इसको भी सुरक्षा दी जाएगी ना, वरना क्या होगा, गवर्नमेंट ये देखेगा कि भाई इधर पीटीओ में थोड़ा सा घपला चल रहा था, अब ये थोड़ा सा बोला कि यहाँ पर क्या हुआ है भाई, धांधलीबाजी हुई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको हटा देगी। तो उसको पद की सुरक्षा देने के लिए, इसके लिए भी, क्योंकि भाई चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया देखने को मिलेगी जिसके आधार पर सरकार बनती है, तो इसीलिए इसको निष्पक्ष बनाने के लिए और यहाँ पर आपने देखा कैग को भी निष्पक्ष बनाने के लिए, दोनों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। ओके, तो आप लोगों ने देखा, हम सभी तरह से आप लोगों के लिए बता दिया। चलिए 13वें नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्या बोलता है। तो देखिए जो 13वां आपको देखने को मिलेगा, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो आपको पता है कौन करता है, आपको हम बताए थे। ओके, लोक लेखा समिति है, वही करती है। ओके, जो संसद में आपको देखने को मिलेगी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है परंपरा अनुसार, तो सब चीजें बता चुके हैं। इसके अलावा वैसे तो अब आप लोग आगे कर लेंगे, ओके, हम आपको बताए थे 14-15 तक करा देंगे, आप लोग वैसे अब कर सकते हैं, लेकिन एक दो और करा देते हैं। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाई ये सत्य बड़ा परेशान कर देता है, इसलिए इसको गोले में घेर दीजिएगा। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, इसमें असत्य ढूंढना है, तो उसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, किया जाता है उसी के द्वारा, संसद के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। लेकिन जब वो पद पर आ जाता है, फिर उसके बाद उसमें अलाभकारी परिवर्तन या फिर उसमें कटौती नहीं की जा सकती। वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, तो यस, वो वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वह इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष भी शपथ ले सकता है। हम आपको बताए थे राष्ट्रपति है, अगर वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि जाओ भाई उसके सामने जाकर के तुम शपथ ले लो, तो उसके सामने भी शपथ ले सकता है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं पढ़ाते समय। तो इस अनुसार ही क्या हो गए, ये तीनों सही है, लेकिन हमको क्या खोजना है, हमको खोजना है जो असत्य है। ओके, तो असत्य ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। पढ़ के भी देख लेते हैं क्यों ये गलत है भाई। तो उसे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर गलत क्या है, उच्च न्यायालय, लेकिन हटाया किसके जज के समान जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार हटाया जाता है। और यहाँ पर क्या दे दिया भाई, हाई कोर्ट दे दिया। थोड़ी सी चीज है ना, क्या कर देगी, दिमाग घुमा देगी। अगर यहाँ पर ही उच्च की जगह उच्चतम होता तो ये क्या हो जाता, ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर उच्चतम की जगह सिर्फ उच्च कर दिया, थोड़ा सा इसमें से गायब कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस अनुसार हमें असत्य खोजना था, असत्य हमको मिल गया, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं 15वें नंबर का। तो 15वां बोलता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन संबंधित है। ओके, तो देखिए एक आपको देखने को मिलेगी, भारत की संचित निधि। तो देखिए भारत की संचित निधि है, उसी पर तो वो रिपोर्ट बनाता है कि इस संचित निधि से कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है। तो चलिए ये तो आपको देखने को मिलेगी। आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि का भी ये लेखा जोखा रखता है। ओके, राज्यों की संचित निधि है, उसका भी लेखा जोखा रखता है, क्योंकि केंद्र और राज्य, हाँ ये हम आपको बताना भूल गए थे, वैसे तो बताए तो है कि मतलब जो अगर राज्य का लेखा जोखा करेगा तो राज्यपाल को देगा, तो वो वही बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लेखा जोखा करता है ये आपको संपूर्ण भारत का करता है, मतलब भारत का करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक केंद्र का भी करेगा, राज्य का भी करेगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनका भी करेगा, इसके अलावा जो पीएसयूज हैं उनका भी करेगा, और ऐसे निगम जो अपने राजस्व का बंटवारा सरकार के साथ करते हैं उनका भी करेगा। ओके, वैसे तो ये चीज हम ब्रीफली में बताए थे, लेकिन संक्षिप्त में नहीं बताए थे, यहाँ पर हम संक्षिप्त में बता दिए। और भारत का लोक लेखा है, ओके, इसका भी करता है। तो यानी कि इस अनुसार चारों के चारों ऑप्शन
सही होगा एकदम। आप लोग समझ गए ना, इसके आगे के दो चार बच्चे होंगे वो आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियोस आपको अगर पसंद आती हैं, क्लासेस हैं जो पेड क्लासेस हैं जो अभी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आ रही है तो जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को इसी तरह से प्यार दिखाते रहें। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर